सो गाइस देखिए, बहुत ही सुंदर मतलब हमारे खुद के बगीचे में लेडी फिंगर्स लगी थी। तो आज कुछ सब्जी दिख नहीं रही थी तो मुझे लगा चलो आज फ्रेश फ्रेश लेडी फिंगर्स बनाते हैं। तो ये देखिए मैंने तोड़ ली है भिंडी, ये हमारे खुद के यहाँ के किचन गार्डन की है। मैंने किचन गार्डन पे ऑलरेडी वीडियो बनाया भी है, सो देखिएगा ज़रूर। ये देखिए किचन गार्डन में बहुत सारे वेजिटेबल्स अभी लग रहे हैं। ये देखिए चिली लगा है, इसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। फिलहाल चलते हैं और ये फ्रेश सी वेजिटेबल बनाते हैं। गाइस हुआ ये कि मैं जैसे ही वेजिटेबल काटने लगी, तो एज यू ऑल नो कि जो मतलब सीजनल वेजिटेबल होता है ना, उसको बच्चे रेगुलर बेसिस पे खा खा के बोर हो जाते हैं। एंड काव्यांश इज ऑल्सो लाइक द सेम कि अरे आज फिर वही भिंडी। तो मुझे लगा क्यों नहीं आज कुछ भिंडी को अलग से ट्विस्ट दिया जाए। तो मैं आज इसे एक डिफरेंट तरीके में बना रही हूँ, जिसे मैंने बनाने के लिए भिंडी को इस तरह से काटा है। मैं आपको काट कर भी दिखा दूंगी। अगर वन मतलब बड़ी है भिंडी तो आप उसको 3 पीसेज में, अदरवाइज 2 पीसेज इनफ, बीच में से एक कट लगाते हुए, सो दैट कि अंदर तक इसकी डेप्थ में जो है मसाला चला जाए। तो इस तरह से मैंने भिंडी को काट लिया है। थोड़ा सा बेसिक चीज बता देती हूँ, इसमें ये चॉप्ड हमारा अनियन है, हेयर इज आर गार्लिक, जिंजर हम इसमें यूज नहीं करेंगे, ग्रीन चिली जो कि आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं, कोरिएंडर लीव्स मैंने यहाँ पर लिए हैं, एंड इसमें जाएगा टमेटो जो कि इसके टेस्ट को और एनहांस करेगा। हेयर इज देखिए, इसमें आप अमचूर पाउडर का यूज कर सकते हैं, लेकिन ये जो है ये अमचूर नहीं है, ये आंवले का पाउडर है। रेस्ट ये जो हमारे किचन के बेसिक मसाले, यू नो, हल्दी मसाला एंड ऑल, जीरा, ये सब इसमें जाएगा। सो चलिए इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। एंड वन एंड ओनली माई फेवरेट, जो कि मैं अभी मतलब मैंने अभी फ्रिज से उसको कट नहीं किया है, वो मैं इसमें ऐड करूंगी लास्ट में, लेमन। सो प्रिपरेशन ऑलमोस्ट रेडी है गाइज, सो चलिए इसको प्रिपेयर करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैं यूज करूंगी मस्टर्ड ऑयल गाइस। मस्टर्ड ऑयल थोड़ा सा ज्यादा लीजिएगा, भिंडी क्रिस्पी बनेगी एंड टेस्टी बनेगी। जब तक ये गर्म हो रहा है, मैं आपको बताती हूँ कि भिंडी को कट किस तरह से करना है। सो ये देखिए भिंडी के दोनों, जो ये तो पता ही है सबको कि ये टिप्स काटने होते हैं, इस तरह से कट लगाना है। एंड जैसे कि ये थोड़ी बड़ी है तो मैं इसको 3 पीसेज में काट लूंगी। सो इसी तरह से ये सारी भिंडी जो है वो मैंने कट करके रखी है। सो अभी तेल गर्म होने देते हैं, देन हम इनको करेंगे फ्राई। आप देख सकते हैं तेल बिल्कुल गर्म है। नाउ दिस इज द राइट टाइम जब हम इसमें भिंडी को फ्राई करने के लिए डालें। तो अभी आप इसको अच्छे से सॉटे कर लेंगे। एंड देखिए इसमें क्या होता है कि आपका जो भिंडी मतलब लचीली सी होती है ना, वो लचीलापन बिल्कुल फिनिश हो जाएगा। एंड अगर इसके कलर को बरकरार करना चाहते हैं तो एक ट्रिक यहाँ पे बताऊंगी कि आप इसमें पिंच ऑफ टर्मरिक यहाँ पे ही ऐड कर दें, तो जो भिंडी का कलर है वो ख़राब नहीं होगा। तो चलिए इसे अच्छे से पहले 5 मिनट्स तक हम लोग मतलब इसका थोड़ा लग पता ही चल जाता है खुद ही कि फ्राई हो चुका है। अभी तक देखिए इसमें लेस आ रहा है, तो अभी इसको अच्छे से हम लोग फ्राई कर लेते हैं। बस टाइम आप देखिए भिंडी जो है वो बहुत अच्छे से फ्राई हो चुकी है। तो अभी मैं इस भिंडी को जो है वो निकाल लूंगी। अभी देखिए एक चीज यहाँ पे होती है, अगर आप चाहें तो सेम एज आप मोटा मोटा प्याज काटकर मतलब लंबा लंबा, और आप फिर उस प्याज को भी यहाँ पर सॉटे कर सकते हैं इफ यू वॉन्ट टू एड, राइट। सो चलिए इसको निकाल लेते हैं। इसको हम अच्छे से इसका ऑयल पूरा निकाल देंगे। एंड ऑल्सो मैंने ये एक प्लेट रखा है, इसमें मैं ये भिंडी निकाल लूंगी। तो एक हाथ से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, बट यस आई विल ट्राई माई बेस्ट कि सारा ऑयल इसमें से निकल जाए। एंड इसी तरह से सारी भिंडी हम निकाल के प्रिपरेशन करते हैं। ये हमारा ऑयल ऑलरेडी बच गया है। सो सबसे पहले मैं यहाँ पर डालूंगी थोड़ा सा हींग, विच इज़ यू नो जान ऑफ एवरी वेजिटेबल। थोड़े से इसमें जाएंगे करी लीव्स, देन वन एंड ओनली माई फेवरेट, इसमें हम डालते हैं जीरा, ठीक है। थोड़ा सा इसमें मैं ये हमारे घर का फ्रेश धनिया है, साबुत धनिया, ये डालूंगी, ठीक है। सबको अच्छे से पहले भून लेते हैं, देन हम हमारे नेक्स्ट स्पाइसेस इसमें ऐड करेंगे। भून चुका है गाइस, अभी इसमें जो मैंने ये गार्लिक काटा था ये डाल दूंगी, देन एक चिली मैंने इसमें ऐड करी है, क्योंकि देखिए बच्चा है साथ में तो मैं बहुत ज़्यादा इसमें जो है वो चिली ऐड नहीं करूँगी। इसको थोड़ा सा पका लेते हैं, गोल्डन ब्राउन हो जाता है, तो मैं इसमें ऐड कर दूँगी हमारे चॉप्ड
अनियन है गोल्डन ब्राउन। अभी हम इसमें ऐड कर देंगे अनियन। गाइस देखिए यहाँ पे अगर कोई चाहे तो वो प्यूरी फॉर्म में भी यूज़ कर सकता है। जो कुछ एरियाज में मैंने देखा भिंडी को ग्रेवी फॉर्म में, वो रेसिपी सेम रहती है, बस आप इन चीज़ों को जो है वो प्यूरी फॉर्म में ऐड करेंगे, दैट्स इट। तो अभी टमाटर को अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेते हैं। बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आती है करी लीव्स डालने से वेजिटेबल। सो नाउ आई एम गोइंग टू ऐड सम सॉल्ट इन दिस, टेस्ट के अकॉर्डिंग। देखिए कम होगा ना तो बढ़ा बाद में सकते हैं, बढ़ जाए तो दिक्कत हो जाती है, इसीलिए मैं सॉल्ट हमेशा हल्का हाथ रखती हूँ। सो अभी इसको और भून लेते हैं थोड़ा सा। आज है वो गोल्डन ब्राउन हो चुका है, आई डोंट नो इसमें थोड़ा विजिबल है या नहीं। अभी मैं इसमें डालूंगी, ये है हमारी टोमेटो प्यूरी। ये मैंने 3 पोटैटोज लिए हैं, आप इसको कम या ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, क्योंकि यू नो टेस्ट को थोड़ा डिफरेंट बनाने के लिए हम इसमें जो है वो टोमेटो का यूज़ करेंगे। एंड इससे टेस्ट वॉज लाइक अमेजिंग गाइस, बहुत अच्छा टेस्ट आने वाला है। तो चलिए टमाटो को यहाँ पे थोड़ा सा भून लेते हैं। अभी हमारा टमाटर हो गया है, इसमें मैं ऐड करने जा रही हूँ थोड़ा सा पानी, उससे ये बिल्कुल सुपर सॉफ्ट हो जाएगा। एंड मैंने ये आपको बताया था, ये जो है ये आंवला का अमचूर पाउडर है, थोड़ा डालते हैं अभी। एंड क्योंकि जो ये आंवला वाला होता है ना, ये ज़्यादा तेज़ नहीं होता, आप इसके बिहाफ पे अगर आपके पास जो दूसरा आम वाला अमचूर होता है वो भी डाल सकते हैं। तो ये अभी इसमें जाएगा, इसको दोनों चीज़ों को अच्छे से भून लेते हैं। आपके पास मैंगो वाला हो तो आप वो भी डाल सकते हैं, बट थोड़ा सा यहाँ पे पानी लगा लीजिएगा सो दैट कि ये अच्छे से दोनों चीज़ें आपस में मिक्स हो जाएं। तो अभी मैं इसमें ऐड करूँगी टर्मरिक, देन मैं इसमें ऐड करूँगी गरम मसाला जो कि घर का पिसा हुआ है। सिर्फ इसमें धनिया एंड जीरा ऐड किया गया है। सो गाइस देखिए मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, खाना बनाते बनाते मुझे बस वैसे ही याद आ गया कि मुझे ऐसा लगता है गाइज आफ्टर मैरिज कि मतलब पहले ना इन चीज़ों को इतना सीरियस नहीं लेना लेती थी मैं, लेकिन कुकिंग इज़ वन ऑफ द थिंग गाइज जो हर किसी को आनी चाहिए, बिकॉज कुकिंग इज़ द ओनली वन आप इससे अपनी फैमिली का दिल जीत सकते हैं, ट्रस्ट मी। सो चलिए इसको अच्छे से भून लेते हैं, देन वी आर गोइंग टू ऐड आवर लेडी फिंगर इन दिस। का रेडी है, अभी जो भिंडी हमने मतलब सॉटे करके फ्राई करके रखी थी वो भिंडी हम इसमें कर देंगे मिक्स। मिक्स में फ़ोन रख कर करती हूँ क्योंकि अच्छे से मिक्स नहीं होगा। तो अभी देखिए ऑलरेडी इसको भी बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि हमारी जो लेडी फिंगर है वो ऑलरेडी कुक्ड है। तो चलिए ये हो गई है अच्छे से मिक्स, ठीक है। अभी मैं इसको जो है वो लो फ्लेम पर ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट तक पकाऊंगी, इससे ज़्यादा इसको पकाने की ज़रूरत नहीं है। सो गाइस देखिए 5 मिनट्स कुक करने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा है, एंड आपको लुक से तो लग रहा होगा ओ माय गॉड इट्स सो अमेजिंग। अभी मैं इसमें ऐड करूंगी गाइस ये थोड़ा सा यू नो मसाला है, गरम मसाला, जस्ट टेस्ट को एनहांस करने के लिए, वन एंड ओनली माय फेवरेट। इसमें जाएगा 1/2 लेमन हम इसमें स्क्वीज करेंगे जो कि मेरे मैक्सिमम वेजिटेबल्स में जाता है। एंड बस थोड़ा सा हिलाएंगे, अब इसको बहुत ज़्यादा हम मिक्स नहीं करेंगे। द लुक वॉज अमेजिंग गाइज, आई होप सो कि टेस्ट भी इतना ही अच्छा हो। अभी देखिए ये बिल्कुल रेडी है, लास्ट में इसमें मैं जो है वो डालूंगी कोरिएंडर लीव्स। सो नाउ द वेजिटेबल इज एब्सोल्युटली रेडी गाइज, लुक एट द डिलीशियसनेस। होप सो अभी चपाती बनाते हैं एंड देखते हैं टेस्ट कैसा है। सो गाइज अभी मैं अपनी प्लेट तैयार कर रही हूँ, ये है सैलेड, सैलेड में है अनियन और ये पापड़, कुकम्बर आजकल हम लोग अवॉइड कर रहे हैं, एंड ये रही हमारी डिलीशियस सी सब्जी। गाइज लुक एट द, अब तक जिन्होंने भी खाई है वो सब लोग प्रेज कर रहे हैं, इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा, ट्रस्ट मी हर कोई आपकी कुकिंग के दीवाना हो जाएगा। एंड ऑल्सो हम मैंने बनाई है दाल, सो ये रही मेरी दाल। एंड गाइज इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा देसी घी क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है हेल्थ के लिए। सो हियर आवर प्लेट इज रेडी, आई होप सो आपको मेरी आज का वीडियो बहुत बहुत अच्छा लगा होगा। एंड मैं यही कहूँगी कि इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। सो मिलती हूँ नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड एंजॉय द डिनर।